अभी हम लोग निकल पड़े घर के लिए कॉलेज से, और जाते जाते एक टी स्टॉल पर रुकेंगे और उधर ही एक बाइक का रिव्यू करेंगे, वो है प्लैटिना 1000 सीसी का। वो मेरा एक दोस्त का है, तो सोचा उसका एक रिव्यू बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है, तो देखो भाई। अभी हम लोग चाय के लिए रुके थे, तो ये नंदू, ये भी आ गया, हम लोग ज्वाइन किया, और पीछे वो मेरा दो दोस्त थोड़ा बिजी है, क्यों बिजी है वो बाद में बताएंगे, घर जाने के बाद बोलेंगे। और उसका जो ओनर है वो पीछे ही खड़ा है, देख सकते हो हेलमेट पहन का है, उससे भी कुछ इंटरव्यू लेंगे। आ गया मेरा दोस्त प्लैटिना का ओनर, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसा है इसका एक्सपीरियंस 1 ईयर का। तो भाई कुछ बोलो। कौन एक्सपीरियंस नहीं, बाइक तो भलो भाई, सिक्स बाइक तो माइलेज कम दीचे, हाई तो बाइक प्राय 82-84 मत माइलेज दीचे। আর কি জানতে চান বলুন? আর কমফোর্টেবল কিরকম আছে? কমফোর্টেবল মানে বিশাল কমফোর্টেবল, আপনি উঠলে মানে মাঝে মাঝে মনে হবে যে আপনি বালিশের মধ্যে বসে আছেন। আমি মনে করি 40-50 কিলোমিটার চালানোর পরে আমার পেছনে ব্যথা ব্যথা হয়, একদম ফার্স্ট ক্লাস। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो प्लैटिना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो उसका वीडियो ये है। तो ये इसका इंजन है 100 cc का, और इसका BHP है 8.08, और RPM अच्छा है। इसका प्राइस के मतलब वो 7500 का होता है, और मैक्सिमम टॉर्क होता है 8.6 Nm। तो और इसका जो सामने वाला जो DRL है ये बहुत अच्छा फीचर से इसके लिए, और दोनों ब्रेक ही डम ब्रेक है। तो और इसका जो ऑयल टैंक है वो 11 लीटर का है, एंड रिजर्व फ्यूल होता है 2 लीटर का। माइलेज भी बहुत अच्छा देता है, 82-86 आराम से दे देता है। ओवरऑल राइडिंग रेंज इसका 1065 किलोमीटर आराम से दे देती है। तो अभी मैं एक राइड लूँगी इसके ऊपर, तो देखते हैं कैसे कंफर्टेबल है कि नहीं। मैं प्लैटिना के राइड ले रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात मुझे ये रही कि ये बहुत स्मूथ है, 4 गियरबॉक्स हो तो क्या हुआ, इसका एक्सलरेशन बहुत अच्छा है, आराम से 50-60 पकड़ लेती है, कोई दिक्कत नहीं होते। और ब्रेकिंग के मामले में भी बहुत अच्छी है, पीछे के ब्रेक इतना अच्छे, उससे अच्छे तो इनका सामने का ड्रम ब्रेक है। तो 50-60 आप देख सकते हो, अभी 40 है और 50 क्रॉस कर लेंगे अभी, और ये 60 को थोड़ा सा टच किया था ये। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है, इसका प्राइस के मुताबिक बहुत अच्छी ब्रेक है मेरे हिसाब से। तो जिसका मन कर रहा है कि एक बाइक ले लिया जाए, तो और प्राइस थोड़ा कम है, वो 50,000 के है बजट, तो आप लोग इसको ले सकते हो। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 46 आ जाती है, और ES जो है वो 54 आ जाते है। तो बहुत अच्छे बाइक है, आप लोग ले सकते हो इसे। तो देखते रहो, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो गुड बाय फ्रेंड्स।